मॉन्स्टर दानव के बारे में तो सुना है, क्या आपने कभी सी मॉन्स्टर के बारे में सुना? ऐसी एक खबर स्कॉटलैंड की है जहाँ की एक पर्यटक स्थल के नजदीक समुद्र में एक विचित्र जीव दिखाई देने की खबर सामने आई है। समुद्र में दिखाने वाला ये विचित्र जीव को बताया जा रहा है लोचनेस के नाम से। आपकी जानकारी बता दूं कि लोचनेस को लेकर कहा जाती है कि पानी में छिपकर रहने वाला एक विशाल दानव है। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? तो चलिए जानते हैं इसके वीडियो सच में क्या लोचनेस होते हैं या नहीं। फिलहाल इस समुद्री दानव को डाइना टेनर नाम की एक अमेरिकन पर्यटक महिला ने देखा है। मिरर की रिपोर्ट के अनुसार जिस स्थान पर डाइना ने इस समुद्री दानव को देखे जाने की बात की है वहां वर्ष भर में ऐसी 9 घटनाएं हो चुकी। इससे पहले लोचनेस को यहां सबसे ज्यादा वर्ष 1996 में देखा गया था। आपकी जानकारी बता दूं कि यह घटना स्कॉटिश आइलैंड के उटकट किले के पास की है। डाइना टेनर यहां घूमने आई थी। घूमते हुए जब उसने समुद्री और सुंदर घाटियों को देखा तो उसे रहा नहीं गया। उसने फौरन ही अपना कैमरा निकाला और सुंदर घाटियों और वादियों का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस रिकॉर्डिंग के दौरान उनके कैमरे में समुद्र की कुछ अजीबोगरीब हरकत रिकॉर्ड हो गई। डाइना ने जब अपने वेबकैम में ये वीडियो देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने वहाँ समुद्र से एक विचित्र जीव की लंबी सी गर्दन बाहर आते देखी, लेकिन जैसे ही उस जीव का ध्यान इनके ओर गया तो वापस समुद्र में गायब हो गया। डाइना ने ऐसा बताया कि यह विचित्र जीव केवल 2 मिनट के लिए पानी से बाहर आया। इस जीव को लेकर कहानी में ऐसा बताया कि यह दानव स्कॉटलैंड के लोकनेस इलाके में निवास करता है। इस जीव का एकमात्र सर्जन फोटोग्राफ है जिसे साल 1994 में खींचा गया था। इसके बाद इस समुद्री दानव को लेकर काफी शोध कार्य हुआ, लेकिन आज तक इसका कोई स्पष्ट प्रूफ नहीं मिला है। वैज्ञानिकों की अगर माने तो ये लुप्त हो चुके और ये डायनासोर की प्रजाति पेलोसिरस है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या लोचनेस सी मॉन्स्टर सच में होते हैं? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।